जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल की भी नौकरी की और लगातार 4 बार से एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड किया है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं अनुराग सिंह राजावत जी से। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की, स्कूलिंग की होगी, तो स्कूलिंग और ये तैयारी का सिलसिला किस तरीके से आपका शुरू हुआ? स्कूलिंग लेवल पे मैं 1st से लेकर क्लास 6 तक तो गांव में स्टडी किया था। उसके बाद 7th 8th यहाँ इंग्लिश मीडियम एक स्कूल था, MP बोर्ड सरमन सिंह मेमोरियल स्कूल, उसमें पढ़ा था। एंड मेरा हाई स्कूल और मेरा हायर सेकेंडरी IPS अकेडमी से हुआ है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम था या हिंदी? इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड। अच्छा, किस गांव से सर? मेरा गांव भारोली कला। अच्छा, हम भिंड जिले के ही हैं सर, हमारे जिले के ही हैं। और हम अभी बैठे हैं यहां पर शहीद स्तंभ पर। हमने सोचा एक अच्छा इंटरव्यू करने वाले हैं, तो क्यों ना हम भिंड की एक ऐतिहासिक जगह आपको दिखाएं। तो सर, आप गाँव में ही पढ़े और उसके बाद यहां पर आए। पहले आप हिंदी मीडियम में पढ़े, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे। हाँ, ऑब्वियसली थोड़े तो आते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से ही हमेशा अपनी इंग्लिश पे फोकस करके रखा था। मेरा इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। तो सबसे पहली नौकरी आपकी कब लगी सर? आपने उसके लिए तैयारी कब से शुरू की थी? सर, मैं 2015 में मेरा 12th हुआ, उसके बाद मैं दिल्ली SSC CGL की प्रिपरेशन करने के लिए चला गया था। मेरा फर्स्ट ड्रीम वही था, तो एक साल मैंने दिल्ली में KD कैंपस से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं वापस यहाँ आ गया था, तो 2016 में मेरा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद 2017 में भी मेरे पहले जेल पुलिस का हुआ, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। फॉरेस्ट गार्ड हुआ, वो भी ज्वाइन नहीं किया। फिर 2017 वाला MP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, जिसमें मेरे को ग्वालियर पोस्टिंग मिली थी, उसको मैंने ज्वाइन किया था। तो जॉब के साथ साथ ही मैंने अपनी SSC CGL की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी थी। उस समय तक जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, तब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, इस वजह से मैं CGL का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था। 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया भी था और मेरा क्लियर भी हुआ था, लेकिन उस समय तक मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं थी, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। 2017 का दिया था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर आपने लगातार जो कौन कौन सी पोस्ट आपको मिली सर अलग अलग सालों में? हाँ, पहले तो मैंने MP पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर रखा था, जो मैंने 3.5 साल तक ग्वालियर में उसको ज्वाइन किया है। और उसके बाद 2017 में मेरे को UDC मिला था। उसके बाद 2018 वाले CGL में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला था। 2019 से CAG में डिविजनल अकाउंट ऑफिसर मिला है, और 2020 से एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। तो सर ने लगातार 4 बार SSC CGL क्वालिफाइड किया और एक भी बार सर आप फेल नहीं हुए। मतलब आपने जब से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है, हर बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो सर, हम थोड़ा अब इस इंटरव्यू को उन लोगों की दिशा में मोड़ना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि आपने किस तरीके से तैयारी की। शुरुआत में आपने 3 व्यापम के एग्ज़ाम्स क्लियर किए, हालांकि उनको ज्वाइन नहीं किया। फिर आपने कांस्टेबल ज्वाइन करने के बाद भी टाइम निकाल कर CGL की प्रिपरेशन की और हमेशा सफल रहे। तो सर, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, क्योंकि नौकरी में भी आपको टाइम देना पड़ता होगा। एक कठिन नौकरी है जिसमें बहुत समय देना पड़ता है, और उसके बाद आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए। देखिए, अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हैं या कोई भी ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह से सपोर्ट मिलता है। तो मेरे को भी काफ़ी लोगों ने, स्पेशली 1-2 लोग हैं जो ग्वालियर में मेरे हायर अथॉरिटी थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उनकी हेल्प की वजह से मैं पढ़ाई में काफ़ी हेल्प हुई है मुझे, मतलब समय निकाल पाए। हाँ। अब अगर हम CGL की बात करें सर, तो उस समय प्रीलिम्स, मेंस और आपका बाद में डिस्क्रिप्टिव भी हुआ करता था, तो सभी के नंबर भी जोड़े जाते थे। तो प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि सर अभी जो CGL का 1 दिसंबर से प्रीलिम्स शुरू होने वाला है, तो उन बच्चों को भी हेल्प उससे कुछ मिल सके। देखिए, प्रीलिम्स के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मेंस और इंग्लिश जो मेंस में रहता है वही सेम, उससे कम ही रहता है लेवल प्रीलिम्स में। और रीजनिंग है, तो रीजनिंग आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, दिन में 1 घंटे का, और GS के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट रहते हैं, क्योंकि SSC CGL के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं,
और जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी रहती है, जो कि आपको पता है लेंथी रहते हैं सॉल्व करने में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाकर एग्ज़ाम में जाएं। आप कितने मॉक टेस्ट लगाते थे? मैं लगभग एक मॉक डेली पर डे। मतलब अभी जो लास्ट आपने जो पोस्ट ली है 2020 वाली, उस टाइम भी आप प्रीलिम्स के लिए लगाते थे? नहीं, मैंने केवल फर्स्ट टाइम जब 2017 वाला एग्जाम दिया था तब प्रीलिम्स के लिए मॉक वॉक वगैरह लगाए थे, उसके बाद से मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए कोई तैयारी नहीं। अब सर मॉक तो बहुत स्टूडेंट लगाते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लोगों से सुना है कि मॉक लगाने के भी तरीके सबके अलग अलग होते हैं, उससे कुछ एनालिसिस करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, तो वो आप किस तरीके से करते थे? देखिए, मॉक लगाने को तो कोई भी लगा ले, वो इतना मैटर नहीं करता है। जैसे आपने कोई मॉक दिया, मान लो 200 में से आपके 150, 140, 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन जो आपके 50, 60, 70 मार्क्स जो डिडक्ट हुए हैं ना, तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि ये मार्क्स मेरे कहाँ पर कटे हैं और उसको जो हमने गलतियाँ की हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है, या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है उसको अदर किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जिससे हमारा टाइम बचे, या फिर वो गलत हुआ है तो उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, तो एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर सर आपको याद हो कि आपके प्रीलिम्स में कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने नंबर आए थे ये चार अटैम्प्ट में, तो थोड़ा और? मेरे को चारों का तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दो का याद है। मेरा एक में आया था 172.5 आउट ऑफ 200 और एक में आया था 179.5। अच्छा, मतलब और ये भी धीमे धीमे ही बड़े होंगे हर साल? हाँ नहीं, पढ़ाई तो कई सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग की वजह से कईयों का नहीं हो पाता है, क्योंकि विद इन टाइम सॉल्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, तो प्रैक्टिस करेंगे आप मॉक जितना ज़्यादा लगाएंगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा। मतलब मॉक लगाने के साथ साथ अपनी कमियों को भी दूर करते चलना है। अब सर अभी तक तो ये था कि मतलब जीएस का पोर्शन मेंस में नहीं रहता था, तो बच्चे जीएस को स्किप कर देते थे, क्या आपने स्किप किया था, या फिर अभी जो आगे के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंस में भी जीएस के नंबर काउंट होने हैं, वो जीएस की तैयारी कैसे करें? देखिए, स्किप तो नहीं किया था, लेकिन उस समय ये था कि मैथ्स और इंग्लिश मेंस में 200 मार्क्स का रहता था और प्रीलिम्स में 50-50 मार्क्स का, तो मतलब 250-500 मार्क्स का आपका मैथ्स और इंग्लिश हो जाता था, तो उस पर फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जीएस भी 50 मार्क्स का रहता है। देखो, प्रीलिम्स में क्वालीफाई करना मैटर नहीं करता था, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके मार्क्स 170+ ही होने चाहिए अगर आपको फाइनल कोई अच्छी पोस्ट चाहिए तो, क्योंकि उस समय तक प्रीलिम्स के मार्क्स भी ऐड होते थे। अभी तो चेंज कर दिया है, अभी प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं इसी साल से, तो आपको अगर मार्क्स ऐड करने तो ऑब्वियसली आपको जीएस में भी स्कोर करना पड़ेगा, तो चारों सब्जेक्ट इक्वल मैटर करते थे। और अब तो और ज़्यादा ही है, क्योंकि अब तो जीएस मेंस में जीएस पढ़ी थी, किस तरीके से जीएस को कवर किया? जीएस को देखो, मेरा साइंस वगैरह तो स्कूलिंग लेवल से मेरे को लगता है अच्छा है, और बाकी जो सब्जेक्ट से तो मैं वहीं कोचिंग लेवल पे पढ़ा था, और थोड़ा करेंट अफेयर वगैरह, क्योंकि करेंट्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी ठीक ठाक आ जाते हैं, तो बाकी करंट वगैरह पढ़ता है। वही क्या सर, जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको जीएस थोड़ा बोरिंग लगता है, और आपने सर चार बार लगातार एग्ज़ाम निकाला है, ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चे फिर सर ये बोलने लगते हैं कि जिसका एक बार निकल जाता है उसका तो अपने आप निकलता ही रहता है, तो क्या आप ये चीज़ से एग्री करते हैं कि एक बार निकल गया तो निकल ही जाएगा, या फिर आपको लगातार चारों बार उतनी ही मेहनत करनी पड़ी, या आपने कितने घंटे पढ़ाई की, हर अटेम्प्ट में आपकी पढ़ाई कैसे वेरी होती रही? नहीं, ऐसा तो कंपलसरी है ही कि आपको हर बार इक्वल टाइमिंग और इक्वल एक्यूरेसी से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलता है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर आप एक बार कोई एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, आप कभी किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। हाँ तो सर अब थोड़ा मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जब आपने मेंस दी उस समय मेंस 200 नंबर के दो पेपर हुआ करते थे, मैथ और इंग्लिश के। हाँ। अभी भी मैथ है और इंग्लिश है, साथ में रीजनिंग और जीएस भी ऐड कर दिया गया है, तो मैथ की जो तैयारी थी वो सर आपने किस तरीके से की, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता था, और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में क्या मतलब अंतर रहे आपके? मेंस के लिए सर मैंने एक्चुअली मेरा मैथ ठीक था, अच्छा था स्कूलिंग लेवल से भी, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग थे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई। बाकी मैंने दिल्ली में एसएस भारती सर से मैथ्स की क्लास ली हुई थी, जो कि मैं मानता हूँ ऑल इंडिया में मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर हैं,
तो उनकी मैथ अगर मैं और बाकी मैंने किसी भी बुक से कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है किसी भी बुक से। अच्छा, और हाँ जो सर के नोट्स थे उन्हीं से और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे उनको लगाया तो उनसे काफ़ी अच्छा स्कोरिंग रहता है। और इसके लिए टेस्ट वगैरह मेंस के मॉक के लिए, मेंस के मॉक के लिए मैंने कैडी कैंपस में पढ़ा था तो वहाँ से मेरे को फ्री मॉक्स अवेलेबल थे, मेरी यूजर आईडी थी तो मैं फ्री लगा सकता था, मैं उनके लगाता था और कुछ मैंने टेस्ट बुक के भी लगाए हैं। अच्छा, तो सर ये जो मॉक थे मेंस के वो आप शुरू में ही स्टार्ट कर देते थे या प्रीलिम्स होने के बाद स्टार्ट करते थे, और उसके बाद भी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती थी कि आप कितने मॉक्स लगा रहे हैं इंग्लिश के और मैथ के? मैं तो सैटरडे संडे लगाता था। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं वो डिपेंड करता है, आप एक दो मॉक देते हैं अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी रहती है तो आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं है और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है तो आप डेली अगर लगाएंगे तो स्कोरिंग और अच्छी रहेगी आपकी। सर ऐसा शुरुआत से तो नहीं रहा होगा कि आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन 2 घंटे में अटेम्प्ट कर लेते होंगे, तो थोड़ा उन बच्चों के लिए भी आप बताएं कि आपका शुरुआत में कितना रेशियो रहता था कि 100 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाते थे, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पेपर सॉल्व ही नहीं होता, वो शुरू में ही हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि टॉपर्स तो ऐसे होते होंगे कि वो तो उनका पहले से इतना स्ट्रांग होता होगा कि वो पूरा पेपर कवर कर पाएँ। क्या ऐसा होता था आपके साथ या शुरू में आपको भी प्रॉब्लम्स आती थी? हाँ, थोड़ा तो टाइम कम पड़ता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग लगाया था तो 100 में से 90-95 सॉल्व हो पाते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा मॉक से बहुत फ़ायदा मिला। शुरुआत में एक्यूरेसी भी कैसी रहती है? नहीं, एक्यूरेसी तो मैटर करती है, आपको जो आ रहा है उसी को टिक करना है या फिर आप स्किप भी कर, कुछ लोग होते तुक्के लगाना है तो वो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको तुक्के वगैरह नहीं लगाने चाहिए क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और दूसरा ये फ़ायदा हुआ है कि अभी मैं अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरा विद इन 45-50 मिनट के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, मतलब 60 मिनट भी नहीं कम्प्लीट चाहिए होते हैं, 10-15 मिनट उसमें भी आप बचा लेते हैं, जहाँ बच्चे मतलब अटक जाते हैं 10 मिनट का वहाँ भी बच जाते हैं। तो क्या ये पहले दिन से ऐसा था? नहीं। तो कब तक, कितनी प्रैक्टिस के बाद आएगा ये? लगभग आप जितने ज़्यादा मॉक लगाते जाएंगे उतना आपको टाइम इफेक्ट होता रहेगा, और कई सारी ऐसा रहता है कि बहुत सी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा बार लगा लेंगे ना तो अभी मतलब 50% क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि जिनको मुझे करने के लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं रहती है, माइंड में कैलकुलेशन करके माइंड में ही विद इन 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के भी। फिर भी मैथ्स में आप अगर देखें सर, 2 पोर्शन हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? अरिथमेटिक तो ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, मोस्टली बच्चे जिस चीज़ में ज़्यादा अटकते हैं वो एडवांस में ज़्यादा अटकते हैं। टाइम टेकिंग हर बार नहीं रहता है, 2017 का जो पेपर था उसमें एडवांस अच्छा आया था, 2018 में एडवांस सिंपल था, अरिथमेटिक अच्छा था, तो मतलब पेपर जो एसएससी बनाती है तो एक लेवल मैनेज करके रखती है, एक चीज़ हार्ड दे देती है तो दूसरी चीज़ ऐसी देती है, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ के, जो कि एक अच्छा पेपर माना जाता है, तो उसके लिए अगर आप दोनों टॉपिक्स को अरिथमेटिक और एडवांस को टफ रखेंगे तो फिर बच्चे विद इन टाइम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कोई भी बना रहे, और अगर दोनों सिंपल रख देंगे तो फिर पेपर का लेवल बिगड़ जाएगा। तो एसएससी भी लेवल मैनेज करके चलती है, कभी एडवांस को अच्छा रखती है तो कभी, मतलब तैयारी हमारी दोनों की अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी दोनों की होनी चाहिए। अब सर अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? बहुत से जो हमारे ऑडियंस जुड़ी है सर, ज़्यादातर हिंदी मीडियम की है, और आपने तो सर गाँव में भी पढ़ा है फिर शहर में भी पढ़ा है, हैं, और कोई अपन मेट्रो सिटी से नहीं है, भिंड जैसे शहर से हैं जहाँ अधिकांशता बच्चों की हिंदी वो इंग्लिश कमज़ोरी रहती है, तो क्या करें वो बच्चे? बहुत से बच्चे तो सर जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उस एग्ज़ाम को ही नहीं देते, तो कैसे ये तैयारी आपने डेवलप की शुरुआत से और ये अभी तक? इंग्लिश से सर मैंने बचपन से देखो सबसे जो एक चीज़ बेस्ट मुझे लगता है मैंने की है कि बचपन में मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं डेली 15-20 बुक ऐप डेली लर्न कर लेता था, इसमें मेरी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने भी मुझे डांट के बहुत बुकें याद कराई हैं जो कि आज भी मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हैं। और दूसरा अभी अगर अभी की बात करें तो अभी के लिए मैं सिर्फ नीतू सिंह मैडम से पढ़ाऊँ और उन्हीं की जो प्रिंट टू पैरामाउंट बुक थी जो Volume 1 वो बहुत हेल्पफुल है, उसी से मेरे को बहुत हेल्प, उससे आपने ग्रामर पूरी कवर की होगी? जी, और प्रैक्टिस भी आपने वहीं से किया है?
प्रैक्टिस के लिए मॉक, एक तो मॉक रहते हैं, दूसरा जो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें एसएससी के आई थिंक 1990 कुछ से लेकर के अभी तक के 1991 से लेकर के अभी तक के सारे एग्जाम जो भी एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं उनका पेपर है वो, तो वो सब सॉल्व किए थे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और उनका एनालिसिस भी किया था कि एक पेपर है तो इसमें कुछ वोकैब रहती हैं जो, क्योंकि हर एक वोकैब तो हर किसी को याद नहीं रहती है, तो कुछ वोकैब रहती थी जो नहीं याद रहती थी, तो फिर उनको वो पीछे दिए रहते हैं उसमें, तो वो भी लर्न किए थे मैंने। कितने घंटे सर पढ़ लेते थे आप? सर घंटे का एक्चुअली ऐसा एक्चुअली ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर बच्चे यही पूछते कि हम कितने घंटे पढ़ लें या टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते थे, तो वही नहीं सर मैं घंटे एक्चुअली ऐसे कभी पर्टिकुलर फिक्स नहीं किया है मैंने, बस ये था कि सुबह उठ के एक टारगेट फिक्स करता था कि आज मैथ्स इतना पढ़ना है और इंग्लिश इतनी पढ़नी है, तो लगभग किसी दिन 8, किसी दिन 10, किसी किसी दिन 14-15 घंटे भी हुए हैं। मतलब फिक्स नहीं था, टाइम टेबल कोई बनाते थे क्या, कोई फिक्स रूटीन था? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, बस टारगेट बना लेते थे उसको ख़त्म करना है उसी के बाद उठना है। हाँ ये सोच ये हमेशा फिक्स करके रखता था कि आज इतना टारगेट करना है, उसके बाद कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहता था तो उस टारगेट को फिनिश करके तब जाता था, हाँ सारी चीज़ें सेकेंडरी ये प्राइमरी था। और घर वालों ने भी काफ़ी हेल्प किया क्योंकि मेरे को कभी घर वालों की तरफ से पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की गई है, नहीं कि सब्जी लेने जाना है या कुछ ऐसा नहीं, नहीं कभी कोई कितना इंपॉर्टेंट काम बना रहा है सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, तो कभी किसी चीज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ मुझे। तो सर से हमारी बातचीत तो बहुत लंबी हो सकती है, एक्चुअली सर का एक्सपीरियंस इतना है कि सर ने जॉब में रहते हुए और लगातार 4 बार एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड किया है। मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप एक स्ट्रेटजी वीडियो जो अभी नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप अगर समय मिले तो आप तैयार करें सब्जेक्ट वाइज कि हाँ इसके लिए हमने यहाँ यहाँ ये रिसोर्सेज थे, ये चीज़ें थी, क्योंकि इंटरव्यू में तो ये काफ़ी लंबी हो जाएंगी ये चीज़ें, और व्यवस्थित तरीके से अगर बच्चों को मिलेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बताइए सर आप करेंगे कि? हाँ मैं ट्राई करूँगा टाइम, और अगर आप लोगों को भी चाहिए कि सर क्या स्ट्रेटजी वीडियो हमें मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना हम सर को फोर्स कर पाएंगे कि सर आप बनाइए। और सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपने लगातार ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, यानी लगातार आपने मेहनत की है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट बनाए रखती है, और अभी भी आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिया आपने, तो क्या ऐसा है जो आपको लगातार मोटिवेट बनाए रखता है? क्योंकि हमारे बच्चे सर बहुत ही हतोत्साहित हैं कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है या हम थोड़े नंबर से रह गए हैं, अब हम नहीं करेंगे तैयारी, अब हमारा कभी नहीं होगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो बच्चों के दिमाग में आती हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना ड्रीम याद रखें और अपने फैमिली मेम्बर्स की जो आपसे उम्मीदें हैं वो, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं ये अब मुझसे नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस आँखें बंद करके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दादा दादी जो भी हैं जिनको भी आप मानते हैं कि लगता है कि इनकी मुझसे उम्मीदें जुड़ी हैं, सिर्फ उनका चेहरा याद करें, आपको खुद से सेल्फ़ मोटिवेटेड बहुत होंगे आप। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो सर ने यहाँ पर हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, और मिलते हैं कि सर के अगला जो भी वीडियो रहेगा, सर स्ट्रेटजी वीडियो बनाए, हम तो ये कहते हैं कि सर कुछ लेक्चर भी लें और आप लोगों को मैथ या इंग्लिश जो भी सर को पसंद हो वो भी उसकी भी नॉलेज मिले, तो धन्यवाद, जय माता दी।